नौसेना के सेलर सूरज की हत्या की गुत्थी उलझी। चेन्नई में किडनैप हुआ तो पाल घर कैसे पहुंचा? तफ्तीश में जुटी पुलिस ने दावा किया है कि सूरज के पास 3 सिम कार्ड होने की जानकारी मिली, जिसमें से 2 नंबरों की घर वालों की जानकारी थी, लेकिन 3रे नंबर की जानकारी नहीं थी। इसमें से 2 नंबर 30 जनवरी को बंद हो गए। इसके बाद 3रा फोन चालू हुआ। उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा में जान गंवाने वालों को राज्यसभा के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यसभा के सभी सदस्यों ने खड़े होकर उनकी याद में कुछ देर मौन रखा। पीएम मोदी ने संसद में बताई नए एफडीआई की फुल फॉर्म, बोले भारत को इससे जरूर बचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आप लोगों ने एफडीआई के बारे में तो सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक नया एफडीआई इस बीच हमारे सामने आया है, इसका मतलब है फॉरेन डिस्ट्रिक्ट ऑडियोलॉजी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड सरकार से समन्वय बनाने के लिए मंत्री सुरेश राणा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय मंत्रियों की समिति बनाई। मंत्रियों का ये दल उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया है। पीएम मोदी के भाषण के बाद बोले किसान नेता राकेश टिकैत, हमने कब कहा एमएसपी खत्म हो रहा है? भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। मसूरी थाना क्षेत्र में एक ही घर में 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई, साथ ही 3 बच्चों को भी बुरी तरह घायल कर दिया गया। घटना ने अधिकारियों के हाथ पांव फुला दिए हैं, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।